स्क्रू मटेरियल को डाई तरफ ले जाता है। ये लेयर जो आप देख रहे हो बी लेयर है, वो लेयर देख रहे हो तो ए लेयर है। ए का माल इनर एंड आउटर में आता है, बी का माल मिडल लेयर में जाता है। जैसे ये थ्री लेयर टू लेयर का इसमें टू लेयर की हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू प्लास्ट इंडिया 2023 और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो ब्लोन फिल्म एक्सट्रूडर मशीन से बनाते हैं और काफ़ी तरीके के बनाते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम भावे सिद्धपुरा है। हम लोग युग इंडस्ट्रीज बड़ोड़ा गुजरात से है। हम लोग ब्लोन फिल्म एक्सट्रूडर प्लांट बनाते हैं और टोटली कैरीबैग का टोटली मशीनरी फुल सेटअप हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा बड़ोड़ा बेस्ड कंपनी है, बड़ोड़ा गुजरात बेस्ड। हमारे पास ये मशीन बनाने की का फुली ऑटोमेटिक सेटअप है, जैसे CNC VMC लेज़र कटिंग पावर कोटिंग प्लांट। हम लोग LD LL बायोडिग्रेडेबल बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग की मशीन बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप जो शोकेस कर रहे हैं ये मशीन, इस मशीन के बारे में देखें, जैसे फाइनल प्रोडक्ट देखें, कितने लेयर की ये इसमें कर सकते हैं? सर हम प्लास्ट इंडिया में अभी जो मशीन लेके आए हैं ये टू लेयर ABA मशीन बोलते हैं। इसकी हाइट 20 फीट है। ये मशीन अभी इंडस्ट्रियल लाइनर बना रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जैसे गुड़गांव में है मारुति फोर्ड, काफ़ी कंपनियां होगी। वो कंपनी की जो मटेरियल होते हैं उसके पैकिंग करने के लिए ये बैग बन रही है। एक्चुअली ये मशीन सेल आउट हो चुका है फर्स्ट डे UAE शारजाह में, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल लाइनर है, शुगर पैकिंग के बैग्स है, कैरी बैग्स है, काफ़ी तरीके की बैग बन जाती है। जैसे अगर मशीन का पूरा प्रोसेस समझे फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज समझा सकते हैं सर? यस यस यस, ये ग्रेन्यूल्स है, LD का ग्रेन्यूल्स है, LD LL मिक्स है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लोडर लगाया हुआ है इसके अंदर, वो कोने में पड़ा है लोडर, ठीक है। ये हॉपर ड्रायर है, इसमें अपने आप दाना गर्म हो जाता है, लोडर खींच के ड्रायर को देता है, ड्रायर में से ये स्क्रू बैरल है, इसमें दाना मेल्ट होता है, मतलब लिक्विड हो जाता है। इसके अंदर हीटर लगे हैं बैरल के अंदर, इस बैरल के अंदर एक स्क्रू लगा है, स्क्रू मटेरियल को डाई तरफ ले जाता है। ये लेयर जो आप देख रहे हो बी लेयर है, वो लेयर देख रहे हो तो ए लेयर है। ए का माल इनर एंड आउटर में आता है, बी का माल मिडल लेयर में जाता है। जैसे ये थ्री लेयर टू लेयर का इसमें टू लेयर की ये टू लेयर की मशीन है। अच्छा। इसमें डाई थ्री लेयर की लगी है, जो डाई को ABA डाई बोलते हैं, A+B+A। ए का माल इनर एंड आउटर में आएगा, मतलब आगे और पीछे वर्जिन का लेयर लगेगा 30% या 40% में एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको जैसा मटेरियल बनाया ऐसा आप फिलर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे सर, जैसे अगर दो लेयर के अकॉर्डिंग ये फिर अलग अलग हो जाएंगे? हाँ, दो लेयर तीन लेयर में। हाँ, ये मशीन टू लेयर की है, वर्किंग थ्री लेयर में करेगा। जो ए वाला लेयर है इनर एंड आउटर में जाएगा, बी वाला लेयर है वो मिडल लेयर में जाएगा। वो एयर ब्लोअर है, वो बबल को ठंडा करता है, ठीक है। ऊपर टेकअप है, ठीक है। ये दोनों हॉपर ड्रायर है, वो मशीन की पैनल लगी है, टोटली डिजिटल है पैनल। तो ये 22 मीटर हाई, 20 फीट की हाइट है, 20 फीट की है, सॉरी। ये मशीन के पास है स्क्रू है, ग्रूड है, वो डाई है, ये वाइंडर है, और यहाँ से आपका वाइंडिंग रोल होता है, वाइंडिंग रोल लगाता है। यहाँ पे सेकंड टेकअप लगाया हुआ है, यहाँ पे लोसा कटर है एयर वाली, अगर आपको सीट बनानी है तो सीट भी बन जाएगी। यहाँ पे सेंसर लगाया हुआ है, अगर रोल बन जाएगा तो अपने आप वो बजने लगेगा, ताकि रात को अगर नाइट में ऑपरेटर सो जाए तो उसको पता चल जाएगा। अच्छा, तो वो वाइंडर की पैनल भी अलग दे दी है। तो ये जो भी सेफ्टी पर्पस के लिए जो भी यूज़ है, फ्यूचर इसके अंदर दिया हुआ है। ऊपर भी आप इमरजेंसी लैंप देख सकते हो, अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो अपने आप अलार्म बज जाएगा। तो ये रोटेटरी होते, रोटेट करते रहते ऊपर में जो? नहीं, ऊपर जो इमरजेंसी लैंप लगाया है ना उसमें सेंसर लगाया हुआ है, अगर मशीन ब्रेक डाउन होता है, बबल टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो अपने आप अलार्म बजना चालू हो जाता है, ताकि ऑपरेटर सो गया है कि कहीं गया है तो उसको पता चले कि मशीन को बंद करना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आए तो उसकी ड्राइव से मोटर है उसमें डैमेज कम होगा, नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे रोल बनेगा,
उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर ये कटिंग सीलिंग मशीन है, उसके बाजू में मिक्सर मशीन है, वहाँ दाना गर्म होता है, उसके बाजू में प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है। यह पोस्टर में आप देख सकते हो मोनो लेयर है, टू लेयर है, थ्री लेयर है। आइए, तो साइज के अकॉर्डिंग आप सिलीटर मशीन आप लगा सकते हैं वहाँ पर। पंचिंग मशीन है हैंडल कट करने के लिए, वीडियो में देख सकते हैं, पंचिंग मशीन है। ये मोनो लेयर है जो अभी आपको वीडियो में दिखाया लाइव डेमो, वो ए बी ए था। उसके बाजू में थ्री लेयर मशीन है जो मल्चिंग फिल्म है, हैवी ग्रेड हैवी बैग बनानी है उसके लिए थ्री लेयर है। तो जैसे अगर इस मशीन के बारे में बात करें, अगर कोई इंस्टॉल करना चाहता है या तो किस बजट में आते हैं और स्पेस को लेकर देखें? इसका बजट तो मोनो लेयर 10 लाख से स्टार्ट होता है। अगर बायोडिग्रेडेबल बायो कंपोस्टेबल किसी को बैग्स बनानी है, 25 kg पर आवर का प्रोडक्शन चाहिए, तो उसकी मशीन 10 लाख की आती है। अगर आपको उससे अपग्रेड में जाना है, 35 kg लेना है, तो 12 लाख की आती है। अगर किसी को 50 kg पर आवर, ये जो मैंने प्रोडक्शन बताया वो 50 kg पर आवर वाला है, बराबर है, 50 kg पर आवर वाला 15 लाख का आता है, ठीक है। अगर किसी को 70 kg पर आवर जाना है तो 18 लाख का आता है। यूज केस के अकॉर्डिंग आप? हाँ, जिसको जितना माल बनाना है, विड्थ बनाना है, वो हिसाब से मशीन का प्राइस रहता है। अभी आप जो प्लास्ट इंडिया में हम मशीन लेके आए हैं, ये 45-55 का ए बी है, टू लेयर है, 52 का रोल है, 50 इंच की साइज बनेगी, ये 25 लाख का मशीन है। तो सर, जैसे अगर कोई ये इंडस्ट्री अगर लगाना चाहे, बिजनेस लगाना चाहे, वो देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कितना बेस्ट है। देखो, अभी आप गवर्नमेंट ने प्लास्टिक तो बैन किया है, लोग बना रहे हैं अंदर खाने, मगर फ्यूचर तो बायो कंपोस्टेबल का है, तो अच्छा ही है। 10 लाख प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, और 10 लाख के करीब करीब उसको ग्रेन्यूल्स लगता है, मतलब 25 लाख के करीब करीब वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फिर उसको ये लाइन में ग्रोथ करना है तो मशीनें उसको 2-3-5 जितनी मशीनें बढ़ानी है वो बढ़ा सकता है। आप देख सकते हो पूरे मार्केट में कैरी बैग बिना काम होता ही नहीं है। अब मेडिकल में जाओ, मेडिसिन लेने जाओ तो भी कैरी बैग मांगते हो, कोई भी लारी पे जाओ पार्सल पैक कराने खाने का उसको भी कैरी बैग मांगते हो, कपड़े लेने जाओ, कोई भी फील्ड में कैरी बैग तो लगने वाला है, चाहे प्लास्टिक का लो चाहे बायो का लो, कंपोस्टेबल प्लास्टिक लो, ठीक है। हम लोगों ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक 2017 में लॉन्च कर दिया है, 2017 में, बराबर। हैदराबाद, चेन्नई, आप सारे जाओगे तो आपको बायो कंपोस्टेबल ही चलता है, और हम लोग बायो कंपोस्टेबल में DRDO से रजिस्टर्ड है। डॉक्टर वीरा ब्राह्मण है वहाँ के हेड DRDO के, उनसे हमको सर्टिफिकेट भी मिला है कि हम लोग फर्स्ट टाइम इन इंडिया पायोनियर, हम लोगों ने बायो कंपोस्टेबल को लॉन्च किया था, मतलब ये मशीन में सक्सेस किया था प्रोडक्शन वाइज, क्वालिटी वाइज। ऐसा नॉर्मल मशीन में भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है, पर आपको आउटपुट नहीं आएगा, बैग फट जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। बाबा, इसमें जो टेक्निकली जो सॉर्ट आउट करना था हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बराबर है। नॉर्मल कैरी प्लास्टिक की मशीन में भी बनेगा, पर प्रॉब्लम आएगा, कस्टमर एंड से प्रॉब्लम आएगा। अगर वो मार्केट में लॉन्च कर दिया कैरी बैग किसी ने बना के, तो वो सीलिंग फटने की कंप्लेन आएगी, कैरी बैग फटने की कंप्लेन आएगी। अगर ये प्रॉपर हमारी युग इंडस्ट्रीज से मशीन लेते हो तो हम उनको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी वाइज मशीन देंगे। अगर किसी कस्टमर को सर्टिफिकेट देखना है DRDO का, हम उनको व्हाट्सअप पे भी दे सकते हैं, या तो DRDO हैदराबाद में आप पूछ सकते हो कि युग इंडस्ट्री बरोड़ा का आप सर्टिफाइड किए हो, 6 महीने उन्होंने टेस्टिंग किया हमारी मशीन से, जो प्रोडक्ट निकला उसमें उन्होंने 6 महीना टेस्टिंग किया, तब जाके जो डॉक्टर वीरा ब्राह्मण जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमको सर्टिफाइड किया कि अब बायोडिग्रेडेबल में 100% ये मशीन कस्टमर ले सकते हैं। तो अगर कोई ये प्लांट लगाना चाहे तो आपके साथ जुड़ना चाहे, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखो, हमारा यूट्यूब चैनल पे भी है, युग इंडस्ट्रीज बड़ोड़ा डालिए, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। बाकी मेरा नाम भावेश सिद्धपुरा है, युग इंडस्ट्रीज है, मेरा नंबर 9328292712 है। मेरा वेबसाइट है www.yugindustries.com, और मेरी कंपनी बड़ोड़ा में है, मक्करपुरा GIDC में। मेरी कंपनी का एड्रेस 986 युग इंडस्ट्रीज, 986/15 डायमंड पार्क, Gate No. 1, GIDC मक्करपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वडोदरा, गुजरात, नियर बाय अहमदाबाद। सर, बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।